वही नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में वेस्टर्न रीजन में पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का वर्चुअल शुभारंभ किया और इस अवसर पर गृहमंत्री मिश्रा ने मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे नवाचार जैसे एफआईआर आपके द्वार ईएफआईआर कोरोना योद्धाओं का सम्मान साथ ही परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देना और अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए किए जाने वाले सशक्त प्रयास आदि को गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और के साथ साझा किया मंत्री मिश्रा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा आइए सुनवाते हैं आपको। पश्चिम क्षेत्र डीजीपीओ की बैठक तिमाही होती है, इस बार मध्य प्रदेश ने होस्ट किया। हमारी कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ संगठित अपराध होते हैं, नक्सलाइट जैसी समस्या होती है, जैसे जहरीली शराब पड़ोस के प्रदेश से ना आ जाए। नक्सल गतिविधियों में हम एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा रहता है। संगठित अपराध की दिशा में, अवैध शराब की दिशा में, ये जो समाज को बांटने वाली ताकतें हैं और उसमें जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, इसका भी विचार का आदान प्रदान हो जाता है कि कोई देश तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय तो नहीं, पर ऐसी ताकतों के खिलाफ भी उनके यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है, वैचारिक रूप से वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऐसी अनेक चीजें हैं।